51 and you watching our channel Gentech 21. So दोस्तों नए अनबॉक्सिंग के लाइनअप को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग के 24 इंच LED TV के और देखेंगे दोस्तों इसका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होता है। चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं ये क्या मिलता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमको इस बॉक्स के अंदर में हमको एक स्टैंडर्ड लेवल का एक प्लास्टिक का हम लोग का एक स्टैंड मिलता है। उसके बाद दोस्तों ये हम लोग का मेन यूनिट जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा। तो फिलहाल इसे देखते हैं और रखते हैं घर और देखते हैं कि और क्या मिलता है हमें। फिर दोस्तों देखते हैं कि और बॉक्स में हमें क्या कंटेंट मिलते हैं। ये रहे दोस्तों हमारे कंटेंट और ये हो गया डिब्बा हम लोग का खाली। तो दोस्तों हमें कंटेंट में क्या क्या मिलते हैं चलिए आज देखते हैं। देख सकते हैं बॉक्स को खोलने के बाद हमें इस बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिली ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों आपको कुछ ये पेपर वर्क है, वारंटी कार्ड है, यूजर मैनुअल है कैसे चलाना है वो लिखा हुआ है। ये रहा आपका दोस्तों ये रहा वायर, आप देख सकते हो दोस्तों ये रहा वायर, ये रहा हम लोग का, ये रहा हम लोग का रिमोट और ये सब आप देख सकते हैं ये सिंपल चीजें हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों एक स्टैंडर्ड आपको स्टैंड मिला हुआ है कंपनी की ओर से दोस्तों जिसमें आप अपने इसको नीचे लगाकर यूज कर सकते हैं। दोस्तों वॉल माउंट के लिए आपको आप देख सकते हैं सैमसंग की यहाँ की आपकी और पांच लाख दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें इस टीवी एलईडी 24 इंचेस के में क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं पीछे देखिए दोस्तों आपको एक ये आपका लीड लगाने के लिए दिया है जहाँ से आप इस लीड लगाकर आप अपने अपने जो डीटीएस से कनेक्ट कर सकते हैं या किसी भी डीटीएस से। ये रहा दोस्तों हमारा एचडीएमआई, आप देख सकते हैं HDMI है दोस्तों। ये रहा यहाँ से DC पिन जिससे हम यहाँ से कनेक्ट करके इसे ऑन करेंगे यहाँ से। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर USB पोर्ट है, हम इससे अपने किसी की आराम से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा हम लोग का ऑन ऑफ स्विच और ये रहा हम लोग का पूरा TV, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये हम लोग का 24 इंचेस की LED TV, इसकी 2 ईयर्स की वारंटी दोस्तों दोस्तों 2 ईयर्स की आप देख सकते हैं 2 ईयर्स की वारंटी है। और ये रहे इसके थोड़े डिटेल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग दी गई है काफ़ी अच्छी है और 24 इंच भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों आप देखते हैं इसे ऑन करके और देखते हैं इसकी। सो माय फ्रेंड्स मैंने इसे ऑन कर दिया है, पूरी तरीके से सेटअप कर लिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों इसे मैंने तार से ऑन कर लिया है। और ये रहा इसका रिमोट। सो दोस्तों बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इसमें एक बताता हूँ कि अगर आपके पास रिमोट नहीं है, रिमोट नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप टीवी के पीछे एक नेविगेट बटन दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा वो नेविगेट बटन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये रहा वो नेविगेट बटन, आप देख सकते हैं ये नेविगेट बटन है ये वाला, इससे आप किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं कैसे करता हूँ, इसे मैंने बीच में रखा, रखने के बाद दोस्तों मैं इसे नेविगेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कैसे नेविगेट हो रहा है आराम से नेविगेट करके, जैसे कि मैं इस वीडियो पे ऑन कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों सारा वीडियो है हमारे पास और आइए देखते हैं दोस्तों किसी पिक्चर क्वालिटी कैसी है।
चल दोस्तों शुरू करता है। देखिए दोस्तों पिक्सल डेंसिटी अगर देखी जाए तो कुछ खास नहीं है दोस्तों, लेकिन तब भी अच्छी है। साउंड क्वालिटी दोस्तों बहुत अच्छी ऊंची नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन दोस्तों लाउड है। आप देख सकते हैं साउंड क्वालिटी दोस्तों इसका बहुत ही लाउड है और अच्छा है। और आप देख सकते हैं जैसे कि मैं अगर अगला वीडियो लगाता हूँ हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी पिक्सल डेंसिटी कैसी है और इसकी जो रंग है, इसकी जो कंट्रास्ट है, आखिर ये कैसा आ रहा है। इसका साउंड आउटपुट आप देख सकते हैं कैसा है और आप इसे खुद जज कर सकते हैं दोस्तों। और हमको ज़रूर हमको इस आपको ये टीवी कैसा लगा ज़रूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों हमें नीचे बताइएगा कि आपका आखिर इस पर क्या सोचना है। सो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।